नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आज आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक से लगाए गए धनिये के बारे में जानकारी दूंगा कि इस टेक्निक का उपयोग करके आप किस तरह से अपने घर में बड़ी आसानी से धनिया लगा पाएंगे और इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, धनिया एक लीफी प्लांट है, मतलब आप इसके पत्ते उपयोग में लेते हैं सब्जियों में खुशबू के लिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि यदि आप धनिया लगाना चाहते हैं तो देसी बीज का उपयोग करें। देसी बीज में जो पौधा ग्रो होगा उसकी खुशबू की बात ही अलग है। आजकल मार्केट में जो भी धनिया आ रहा है सब्जी मंडी में, वो सब हाइब्रिड आता है। उसके पत्ते बड़े बड़े रहेंगे पर खुशबू नहीं रहती है। तो दोस्तों, आप यदि NFT चैनल बनाते हैं या हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं तो आप देसी बीज कहीं से कलेक्ट करके वो बीज इसमें लगाएं। तो धनिया जैसे कि लीफी प्लांट है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा फिट या एक फिट तक का पौधा बनता है। तो आप ऐसा चैनल का उपयोग करें जिसमें पाइप से पाइप की दूरी 1 फिट या 1.5 फिट की हो, और उसमें आपको नेटपॉट के अंदर कोकोपीट डालना है और धनिया के बीज डालना है। इसके लिए आपको नर्सरी नहीं बनाना, डायरेक्ट आप बीज डाल देंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। पर आज जैसे अपन धनिया लगाते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग, जैसे कि ये भैया हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये लगभग आपको 1 महीना 20 दिन में आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। पर एक बार अपन ने हार्वेस्टिंग कर दी, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद वापस आपको नई हार्वेस्टिंग मिलेगी। इस तरह से आप लगभग 4 से 5 हार्वेस्टिंग इसमें कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको न्यूट्रिन और पानी का बराबर इसमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखना है, तब जाके आप इतना अच्छा धनिया ग्रो कर पाएंगे। अब जैसा कि दोस्तों, धनिया तो पत्तों के लिए अपन यूज़ करते ही हैं, पर किन्हीं किन्हीं का ये रहता है ना कि हमको पत्ते के अलावा इसके बीज भी चाहिए। तो आप इसके बीज भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसमें बीज लिए हैं। तो दोस्तों, हमने एक ऐसा चैनल बनाया था जिसके अंदर नीचे, सबसे नीचे वाला जो पाइप था उसमें धनिया लगाया था और ऊपर हमने कुछ और लीफी प्लांट लगाया था जैसे पालक और लेट्यूस वगैरह। तो नीचे वाला जो धनिया था उसकी हाइट इतनी बड़ी बनी कि मतलब वो एक बाहर का लोकेशन था, खुला लोकेशन, जिसको क्रॉस करते हुए एकदम बाहर के साइड लटक गया था। हमने उसकी लीफ की कटिंग नहीं करी थी, इसलिए वो इतना बड़ा बन गया था। तो यदि आप बीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कटिंग नहीं करना है पत्तों की, आपको उसको बढ़ने देना है, मतलब वो जहाँ तक बढ़ेगा वहाँ तक बढ़ने दो। और सर्दी का टाइम बहुत अच्छा रहता है धनिया के बीज प्राप्त करने के लिए, गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, गर्मी में सिर्फ लीफ कर पाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऊपर वो पाइप दिख रहा है ना, उसके नीचे ही, सबसे नीचे जो पाइप है उसके अंदर हम लोगों ने धनिया लगाया था और आज ये देखो पूरा बाहर लटक गया है और इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, मतलब इतने फूल लगे हैं कि बस नहीं। और लगभग इस पौधे की हाइट लगभग 4 से 5 फीट की बनी हुई है, मतलब सबसे नीचे उस अंदर की साइड सबसे नीचे वाले पाइप में लगा है और लटक के पूरा बाहर की साइड लटक गया है और इतने फूल आ रहे हैं इसमें, इतने भंवरे, मतलब छोटे छोटे मधुमक्खियाँ जो फ्लावर को देख के आती ना, वो सारी इसमें आ रही है, मतलब पॉलिनेशन इसमें चल रहा है। और कहीं कहीं तो इसमें बीज भी बन गए, जैसे कि छोटे छोटे दाने बन गए हैं। थोड़े दिन बाद ये हार्वेस्टिंग कर लेंगे अपन। आप देखो ये किस तरह से ग्रो हो रहा है। और इस धनिया को देखते हुए, धनिया एक जो क्रॉप है उसको देखते हुए आप इसमें सौंफ लगा सकते हैं, जीरा लगा सकते हैं, अजवाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये धनिया के ग्रुप के पौधे होते हैं। तो ये हमारे लिए पहली बार ऐसा रहा कि हमने गलती से उस पाइप को छोड़ दिया था कि इस पौधे को बढ़ने दो, हमको कटिंग नहीं करना है, पर वो इतना बड़ा कि एक साइड आके उसमें पूरा फ्लावरिंग पे आ गया और बहुत सारे फ्लावर आए इसमें और बीज बनने लग गए। तो ये एक तरह से यदि आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करते हुए जैविक या ऑर्गेनिक क्रॉप लेना है, मतलब बीज प्राप्त करना है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। हम लोगों ने तो पहली बार ऐसा हम देखा है ऐसा, बिना मिट्टी के क्रॉप ले रहे हैं हम लोग धनिया की। और इसकी खुशबू, मतलब यदि आपने देसी धनिया लगा दिया तो देसी धनिया की तो बात ही अलग है, उसकी खुशबू ही अलग है। उसके दाने का आप सब्जी में डालेंगे पीस के तो भी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ आपको सिर्फ ये बीज है ना, ये सर्दी के मौसम में ही अच्छा आएंगे। आप चाहे सोचेंगे कि गर्मी में इसको हम कर लें तो गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और इसके फूल इतने अच्छे खिल नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करें, यदि क्रॉप पर जा रहे हैं तो आप सर्दी का मौसम बढ़िया रहता है। और जो भी किसान खेतों में लगाते हैं ना, वहाँ पे इस फ्लावरिंग के स्टेज पे अगर बारिश हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक में बारिश होगी तो आपका जो ऊपर सेट बनाया है जो भी, उसकी वजह से बारिश से बचा पाएंगे और आप अच्छी क्रॉप ले पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने ये करा है। और यहाँ पे ये जो 4 से 5 फीट के जो पौधे हैं ना, अभी भी इनकी ग्रोथ रुकी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं।
और देखते हैं अब आगे इसमें कैसे क्या होता है। वैसे लीफी तो हमने बहुत अच्छी ली है, लीफ पत्ते बहुत अच्छे हमने इसमें प्राप्त किए हैं, और 300 ग्राम तक हमने एक पौधे से, 300 से 400 ग्राम तक एवरेज एक पौधे से हमने पत्तियाँ निकाल के बेची है। दोस्तों बिना मिट्टी के खेती के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।